लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने अपने घरेलू मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स को 34 रनों से मात देकर अपने सम्मान की लड़ाई में जीत हासिल की है। आईपीएल सीजन 11 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुए मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 34 रनों से हराकर मैच जीत लिया है। इस जीत के से भले ही दिल्ली की टीम को ज्यादा कुछ हासिल ना हो, लेकिन उसने सम्मान की लड़ाई में चेन्नई को हराकर सीजन का अंत जीत के साथ करने की ओर कदम बढ़ाया है। चेन्नई की टीम 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी, लेकिन रायडू के अलावा कोई और बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर सका, जिससे चेन्नई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 128 रन ही बना सकी। चेन्नई की ओर से रायडू ने 50 रन की पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई और बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना सका, जिससे चेन्नई की टीम 128 रन ही बना सकी और 34 रनों से यह मैच हार गई। आईपीएल सीजन 11 के 52वें मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया था।